तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं यहाँ पर BTST की, हम यहाँ पर कैसे प्लान कर सकते हैं और हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमें BTST कौन कौन से अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है रोज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको डेली यहाँ पर कितने 230 को आप से पहले आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, BTST यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर अब प्रीवियस BTST एज यूजुअल जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन दी एंड मेरा जो भी BTST पिक रहेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा कि अगर मैं कुछ लेके जा रहा हूँ कि नहीं लेके जा रहा क्या, फिर मेरा कोई पिक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो यहाँ पे मेरे पास पिक थे एंड वहाँ पे इंडियन होटल आज यहाँ पर और कैनफिनोम दोनों बहुत इन दी एंड वहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर ब्लास्ट हुए। तो ये जो था कि BTST की ये एक्यूरेसी कितनी है आप मुझे नीचे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। और उससे पहले आज का अपडेट कि आज का हमारा दिन कैसा गया, आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गया क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फिर हमारे कुछ स्टूडेंट से बुक किया, जब मार्केट ऊपर से यहां पर नीचे फॉल हो रहा था तब मार्केट का लेवल देखो 43,480 मतलब ये पर्टिकुलर लेवल पे मेरा जो पिक था वो क्या था कि भाई बाउंस के लिए था, कितना 100 पॉइंट्स बाउंस था। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखो जो व्यू है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को अपडेट यहाँ पे दे दिया गया और यहाँ पे देखो कैसे वो पूरी रैली यहाँ पर कैच हुई है। तो ये जो एक्यूरेसी है ये आप लोगों को मिलती है। तो लेट्स टारगेट यहाँ पर 150 लाइक्स एंड प्लस, ज़्यादा नहीं सिर्फ 31 सब्सक्राइबर मोर। लेट्स टच आज 88,700 यहाँ पे आज हम सब्सक्राइबर टच करते हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। BTST और मेरी एक्यूरेसी पे आपने कितना निकाला मुझे नीचे यहाँ पे कमेंट पे बता देना। बाकी इन दी एंड जो भी मेरा कुछ अपडेट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। सो टेलीग्राम का लिंक है कमेंट पे। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी बैंक की। अगर निफ्टी बैंक को देखोगे तो यार काफ़ी ऑब्वियसली बात है कि जो न्यूज़ की वजह से गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन के बाद यहाँ पे आया, रिकवर करने की कोशिश कर रहा, फिर नीचे आया, फिर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये पैटर्न कौन सा है, पर याद रखना कि ये जो W पैटर्न ये जो आपको दिख रहा है इस ये कब लिया जाता है, जब इसकी ये नेकलाइन क्लोज होगी ऊपर की तरफ, मतलब ये नेकलाइन ब्रेक होगी। तो मतलब 43,750 के ऊपर जब तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम वहाँ पे क्या है पॉजिटिव नहीं जा सकते, और या फिर जब तक नेगेटिव क्लोजिंग 43,500 मतलब ये दिस पर्टिकुलर रेंज क्या है, ये कंसोलिडेटिंग रेंज है। आप इधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे खेल सकते हो बट दैट्स योर चॉइस। लेकिन अगर BTST में क्या होता है कि हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बड़ा गैप अप के लिए देखना पड़ता है कि चांसेस कहां पर सबसे ज्यादा हाई है। तो यहां पर अभी क्या है, अगर 700 के आसपास या ऊपर कहीं पे क्लोज कर देता है तो हमारा व्यू क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इसी रेंज में खत्म करता है तो क्वाइट नेगेटिव। अनटिल अनलेस 43,500 ब्रेक ना करे तब तक व्यू क्या है नेगेटिव नहीं होने वाला है, और तब तक क्या है क्योंकि एक घंटा बाकी है क्लोजिंग आने में, तो तब तक क्या इंतजार कर सकते हैं। अब यह रही बात यहाँ पर निफ्टी 50 की भी कर लेते हैं। निफ्टी 50 भी यहाँ पर भले ही निफ्टी बैंक ने गैप डाउन दिया लेकिन निफ्टी 50 ने भी दिया था लेकिन रिकवर कर लिया था। तो यहाँ से क्या है एक चैनल पर आ रहा था, एक ब्रेकआउट की कोशिश किया पर वो ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हुआ, लेकिन फिर यहाँ पर W पैटर्न बना के ये ट्रेंड लाइन के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो जब तक 19,680 किसके ऊपर 19,680 के ऊपर है तब तक यहाँ पर सेलिंग थॉट्स नहीं आएगा। और याद रखना कि अगर 19,725 मतलब ये अगर ये जो हाई है अभी ये जो निकाला इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दे देगा तो पॉजिटिव है। मतलब मैंने लेवल्स यहाँ पर आप लोगों को बता दिए, ये लेवल्स का ध्यान रखना क्योंकि क्लोजिंग आने में भी एक घंटा बाकी है। तो BTST हमेशा क्लोजिंग के टाइम पे ही यहाँ पर लिया जा सकता है। पर इसी के साथ मेक श्योर कि वीडियो का टारगेट आप ना भूलें, आपके टारगेट अचीव हो गए यहाँ पे, अब तो सिर्फ 30 सब्सक्राइबर और चाहिए। सो 30 सब्सक्राइबर एंड 150 लाइक्स, तब तक हम एक स्टॉक है जो हमारे रेडार पे आया है वो है कोटक बैंक। अगर कोटक बैंक की बात करेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे गिर रहा था और यहाँ पे अगर देखोगे हायर हाई यहाँ पर बना रहा है, और ये आज ही दिस पर्टिकुलर जो इसका पहले रेजिस्टेंस था अब उसका सपोर्ट लेके इसने बाउंस दिया है, तो ये अपने अगले रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो कोटक यहाँ पर आप बिल्कुल अपने रेडार पे रख सकते हैं एंड कोटक का यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का एनालिसिस आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया गया था कि 15 मिनट में भी कप एंड हैंडल दिख रहा है। तो ये मेरे रेडार पे रहेंगे, तब तक मेक श्योर कि कंसोलिडेटिंग व्यू है जब तक कोई अच्छी सी क्लोजिंग नहीं आ जाती इंडेक्स में, और निफ्टी कोटक बैंक हमारे रेडार पे रहेगा एनालिसिस के लिए। तब तक मेक श्योर वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर देना। 30 सब्सक्राइबर विद यहाँ पे ज्यादा नहीं 150 लाइक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। मेरी एक्यूरेसी कितनी है और आपने कल के BTST में कितना निकाला मुझे नीचे कमेंट में बता देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।